Hey everyone, मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं मिस्टर राय से बनवा रही हूँ मिठाई। हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन होममेड। ये सब चीजें ना मैं अपने हस्बैंड से करवाती हूँ, है ना। क्या बना रहे हो? गुलाब जामुन और काला का मतलब काला जामुन। काला जामुन, हाँ। तो हम बना रहे हैं गुलाब जामुन, ठीक है। उधर चाशनी तैयार हो रहा है, तब तक हम ये लड्डू तैयार कर लेते हैं। अब वो पूरा फायदा उठा रहा है, अपने पापा को मारते रहता है। एकदम गंदा बच्चा है, एकदम गंदा बच्चा है। पापा इसको नहीं मारते, इसके वजह से अपने पापा को मारते रहते हैं। एकदम गंदा बच्चा हो गया। अच्छा लगता है तुमको मार खाने में? इसके हाथ से बहुत हार्ड हो गया। इतना बड़ा बड़ा मन तो नहीं। अरे ऐसे करोगे ना चूर हो जाएगा। देखो तो क्यों हार्ड क्यों? इसमें दूध डालना पड़ेगा। तो सूख गया पूरा, ड्राई हो गया ये। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ड्राई हो गया पूरा। तो उसमें थोड़ा सा और दूध डाल के इसको अच्छे से फिर से मिक्स करना पड़ेगा, फिर वो अच्छे से बराबर बनेगा। तो मैं मिलती हूँ कुछ टाइम बाद। आप ये हो गया सॉफ्ट, फटाफट बनाने के लिए गोल गोल लग गया। फाइनली अच्छा खासा बन गया, है ना। तुम फ्राई कर लो, हम इधर करते हैं। चाशनी बन रहा है अभी। चाशनी बन गया? बन रहा, तभी अच्छा बनेगा। तो आप चलो जाने जी। ओ राय चलो चलो, कितना पैसा लोगे मिठाई छानने का? कितना लोगे? बोलो बोलो। इतना देना होगा, दे देना। आराम भी नहीं करने देते छुट्टी के लिए। इसको आराम चाहिए। गलत बात, गरम हो गया है। तो मैंने चाशनी देखो कैसे होना है। गरम हो गया है चाशनी? गरम हो गया नहीं, हो रहा है, वो हो ही गया है। चलो बाबू हट जाओ, जैसे तेल। क्यों हट जाओ? पापा कुछ फ्राई करने वाले। क्यों हट जाओ? क्यों? तो ये हमारा जो चाशनी है, ये देखो इसमें ठीक लगेगा ना। ये मैंने चीनी को डिप करके डाला है, और ये देखना ये इतना है ना, हो गया जाना। क्यों इतना सोच रहे हो? जब मैं बोल दी तो बोल रहे हो, तुम तो बोल ही नहीं। इसमें डाल दो ना, इसमें डाल के ऐसे डाल दो फटाफट। ऐसे मत करो, पूरा ऑयल ये हो रहा है ना। बस उतना ही डाल देना, ज्यादा नहीं डालो, और तो बड़ा होगा ना। तो अभी वो इतना से इतना हो जाएगा, जब चाशनी में देंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो वो प्रॉपर 20 रुपए का एक रस गुलाब जामुन हम बना रहे हैं। ना, ना, क्योंकि इतना ही रेट को, मतलब इतना ही प्राइस का मिलता है जो हम, पता है ऐसा रहता है कि मन खा ले तू, लेकिन मन नहीं भरता है। ऐसा हाल है गुलाब जामुन का। अब गुलाब जामुन जो बहुत टाइम से बहुत खाने का मन कर रहा था, और ये पता है हम बहुत टाइम हो, कम कर दो, धीमा कर दो ना, आराम से तुम ब्लैक करना, ब्लैक। तो ब्राउनी नहीं चलेगा? नहीं ब्राउनी नहीं, ब्राउनी भी चलेगा, ब्राउनी पूछे, ब्राउनी ब्राउनी बहुत इनको, ब्राउनी ब्राउनी से बहुत ज्यादा इनको रहता है। धीमा ना करो, धीमा में रहने दे, रहने दे। तो फिर देखना कहीं जले ना। इसे छोड़ के थोड़ी जाते हैं हम, हमेशा इसको। नहीं तो कौन सी चीज तुमको चढ़ा के मैं खिलाती हूँ जो बकवास की है? तुम खिलाने के बात नहीं है, कैसा और तुम लोग क्या देखो, चढ़ा देते हैं गप करने। तो मैं कहाँ जाती हूँ गप करने? नहीं थोड़ा बताओ, अगल बगल में दोस्ती, फोन में दोस्ती, नहीं इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे, ठीक है। वो पता है ना, जो है तो बताओ, झूठ मत बोलो। मेरी जैसी लड़की इनको क्या मिलेगी? ना कोई दोस्ती आ रही, ना कहीं जहाँ रहती हूँ वहाँ, ना गप सप में कहीं फोन में चिपकी रहती हूँ, कभी नहीं। रियली बता, मैं कहीं नहीं, चुपचाप घर में पड़ी रहती हूँ। घर का भी काम हो जाता है, ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे बहुत सारा काम भी है, ये भी नहीं। अभी मैं पता है क्या देखते रहती हूँ? पवित्र रिश्ता 3 घंटे का देता, 3 से 6 उसमें ही बिजी रहती हूँ, क्योंकि सब काम हो जाता है। बुग्गू भी अगर सोता है तो ठीक, नहीं तो क्या करूँ? देखो कहीं फोन करके चुगली बताने इधर से उधर बात होता है, इससे अच्छा फोन में मैं बात ही नहीं ज्यादा करती हूँ किसी से, अपने रिलेटिव से भी मैं ज्यादा बात नहीं। मम्मी से, मम्मी फोन कर लेती है, हाय हेलो हो जाता है, दुआ सलाम हो जाता है, बस उतना ही, ज्यादा नहीं।
और ज्यादा देखो ज्यादा किसी से बात करोगे, दो से चार बातें होती है, इससे अच्छा है मैं सब चीज से दूर ही रहती हूँ। और दोस्ती यारी तो है ही नहीं, दूर दूर तक अब मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना दोस्त है ना कोई है, ना अब कोई रिलेटिव से बात होता है मेरा, कभी कभार हो जाता है, ज्यादा नहीं बात होता है। अबू को देखो क्या कर रहा है, जाना इनके बहुत सारे दोस्त है, यहाँ है, गांव में है, फिर जहाँ जन्म लिए जहाँ हम रहते थे वहां, जहाँ जहाँ मैं जन्म ली हूँ ये रहते थे इनके दोस्त, लेकिन मेरे ही नहीं है। सोचो क्या लड़कियों का क्या होता है, शादी हो जाती है फिर उनके फोन है ये, और सबसे पहले मुझे अब उतना इंटरेस्ट भी नहीं है। देखो गरम गरम गुलाब जामुन, तो ये गुलाब जामुन अभी नमकीन लगेगा, अभी मैं सोच रही कि ये मीठा लगेगा, इसको चाशनी में डालने के बाद मीठा लगेगा ना, जाना चाशनी एक सिग्नल आ रहा है चाशनी। देखो बुबू झाड़ू लेके गया, इतना बदमाशी, देखा मम्मी पापा तो बिजी है भाई, यहाँ पे मेरा ये निकल गया था कलर, बुग्गू पूरा खराब कर दिया था कलर को, खराब कर दिया था। अपने बेटे का नहीं इतना नाम नहीं आने देते, लेकिन एक्चुअली में क्या यहाँ का खारा पानी है, तो इसकी वजह से पापड़ी क्या होता है, समझ लो दरार आ गए थे, ठीक है अपने भाषा में बोले, पपड़ी जम गया था, ये समझ जाओगे ना पपड़ी है ना, पपड़ी जम गया था, तो उसको बुब्बू ने पूरा ऐसे 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 करके पूरा निकाल दिया, तो फिर हस्बैंड जी क्या किए, पूरा का पूरा उसको निकाल दिया, क्योंकि इधर का खारा पानी है, यहाँ बाथरूम है तो यहाँ का पानी हो सकता है पेस रहा होगा, जैसे पापड़ी पूरा जम गया था, तो इसको पूरा हटा कर इसमें क्या मारे हो जन, डॉक्टर फिक्सेस मारे, अब इसमें पता नहीं क्या क्या करेंगे, क्या कारनामा करेंगे मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो ये सब भी हमें अभी करना पड़ रहा है, देखते हैं ठीक होता है कि नहीं, हो जाए तो अच्छा ही है, हालत खराब है हमारी, क्योंकि अभी हमारे पास पैसे की बहुत किल्लत हो रही है, नहीं तो जब पैसे आ जाएंगे तो हमने सोचा था इतना इतना दूर हमें टाइल्स ही लगवाना पड़ेगा ना, नहीं तो ये बराबर खराब होगा, तो इतना इतना कमर इतना हमें टाइल्स ही लगाना पड़ेगा हर एक दीवार में, नहीं तो ऐसी दीवार खराब होगा, उसको चूर मत करो। तो ये गुलाब जामुन अभी नमकीन है फिलहाल, ये चाशनी में जाने के बाद मीठा हुआ, तो और यहाँ माहिर पता नहीं क्या कर रहा, देखो ये तो ऐसा कर रहा है कि इसका कल ही एग्जाम है, ऐसा एक रूम में पैक हो जाता है, मेरा बुबू करते रहता है मामा मामा, माहिर एकदम रहता है गायब, 365 दिन पढ़ाई नहीं करता, लेकिन एग्जाम आने के 10 दिन पहले वो ऐसा पढ़ाई करता है जिससे वो बीमार हो जाता है एग्जाम के टाइम, इतना इन लोग ऐसा बोल रहे थे पढ़ता था, हम पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे हमें क्या लेना है, तुमको अच्छा बनना ना हमसे कि नहीं बनना, तुम ये बताओ, तुमको हमसे, हम चाहते हैं कि हमारा भाई हमसे अच्छा बने, हम हमसे अच्छा जॉब करे है ना, ताकि हम मैन मायके जाऊं तो दो तीन बैग लेके आ सकूं, इतना कमाई करे मेरा भाई कि है ना, कि हाँ बुबू एकदम ऐसे जाए इतना सा पैकेट लेके जाए एकदम बड़ा सा बैग लेके, है ना माई, ऐसा तुम पढ़ाई करो, ऐसा जॉब करना, ताकि हम बहुत सारा थैली घर से अपना मायके से उठा के लेके आ सके, है ना बुबू, बैग 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 जाना, तुमको इधर 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 पूरा डाल देंगे, बंद कर दो इधर 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 इधर, इसको और पढ़ो चौड़ा हो जाओ ताकि और 10 बैग उठा सके, दो ही बहन है हम लोग, एक भाई है, तो कोई नहीं, अच्छा कमाएगा तो अच्छा खासा बैग मिल जाएगा, भारी भारी भरकम बैग में सामान, मतलब खाली बैग नहीं बोल रही हूँ, तो जैसे ऐसे ही मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भाई बहुत तरक्की कर ऊपर वाला के दुआ से, है ना। बुक्कू भी अभी हलवाई बना हुआ है ना बाबू, अभी हलवाई बनने में ही बेटर है यार, आजकल जितना हलवाई कमाई करते हो उतना कोई कमाई नहीं कर सकता, सच बोलूँ तो, क्योंकि क्या है अपने को कोई चीज चले न चले खाने का बिजनेस ज्यादा चलता है, मेरे को तो मन करता है घर पे ही एक होटल खोल लूँ, हमारे बुग्गू बैठ जाए, मैं खाना बनाते रहूंगी और बुग्गू पूछते रहेगा आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, ना क्यों मैं आज तू बिजनेस करेगा ना बुग्गू, क्या देगा तुम खाने में, क्या देगा लोगों को, क्यों क्या देगो बुट्टू, तो डाल दो चाशनी में गरम गरम में ना, नहीं नहीं गर्म में वो ही हो जाएगा थोड़ा ठंडा होने हो ही गया होगा, देख लो। फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ गुलाब जामुन,
तो ऐसा बना हमारा गुलाब जामुन। तो हम इसमें से माहिर को खाना है, तो माहिर ही क्यों, हम सब खाए है ना। तो आप देख सकते हो यम्मी यम्मी। ले भाई का हस्बैंड जी को भी दे देती हूँ मैं फिलहाल, और एक में भी, अब एक एक ही ले रहे हैं हम, ज्यादा खाना नहीं चाहिए मीठा है ना। तो ये दो गुलाब जामुन मेरे हैं, मेरे हस्बैंड का है और ये माहिर का है, और जो बुग्गू है वो सो गया है, तो चलो हम दिखाते हैं आपको। तो अबे क्या कर रहा है भाई, इन्होंने सैंडो उतार दिया इसलिए। तो चलो गाइस मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ, बहुत यम्मी बहुत टेस्टी बना, आप लोग भी घर पे बनाइए और खाइए मजे से। होटल में बहुत महंगा मिलता है, हम इस वजह से हम घर पे बना रहे हैं। बाय बाय।